सो फ्री फायर इंडिया प्ले स्टोर ऐप स्टोर में शो क्यों नहीं हो रहा है और कब तक शो होने वाला है, न्यू रिलीज डेट क्या होने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करो ताकि आपके पास हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने लोगों को बता दिया था कि 5 तारीख फ्री फायर इंडिया लॉन्च नहीं होने वाली है, लेकिन उसका रीजन एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता था, लेकिन आज पता है कि वो रीजन क्या है। तो आप लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हो कि भाई फ्री फायर वालों ने गलत कर दिया यार, इसके बाद जब आएगा हम लोग नहीं खेलेंगे। तो आप लोग रीजन सुन के आप लोग सोचोगे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं, रीजन कुछ और है। तो गाइस देखो, रीजन के साथ साथ न्यू रिलीज डेट का भी एक आइडिया लग चुका है, तो वो भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस पूरा वीडियो एकदम देख लेना। तो गाइस सीन ऐसा है कि फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स दोनों अलग ऐप है, और फ्री फायर इंडिया जो हम लोग अभी खेलने वाले वो एक अलग ऐप है, ओनली फॉर इंडिया। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगी फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स पे हम लोगों के सारे डेटा जो है वो स्टोर है, लेकिन अब उनको ट्रांसफर करना है फ्री फायर इंडिया में। तो ये चीज जो है वो चल रहा था, बैक एंड पीछे चल रहा था ये काम, लेकिन इंडियन यूजर्स के इतने डेटा है फ्री फायर के पास, मतलब फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के पास, कि उसको ट्रांसफर करने का जो टाइम सोचा था उन लोगों ने कि 5 तारीख के अंदर ये चीज पॉसिबल हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे इसके वजह से फ्री फायर को जो है डिले करना पड़ा है अपना लॉन्च, और वो लोग नहीं चाहते है कि बहुत दिक्कत आए लॉन्च होने के बाद, क्योंकि आप लोगों को पता होगा फ्री फायर का प्री रजिस्टर बहुत ज्यादा हो चुका है और बहुत सारे पुराने प्लेयर्स भी वापस आ चुके हैं। ऐसे में सोच लो कि गेम आज के दिन लॉन्च हो जाता है और उसके बाद आप गेम के अंदर जाते हो, नए प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिले, किसी का आईडी ट्रांसफर ना हो, किसी का कोई डेटा ट्रांसफर ना हो, बहुत सारे आईडी के साथ इशू आ सकता है, ग्लिचेस आ सकता है, वो लोग ये चीज नहीं चाहते। दैट्स व्हाई उन लोगों ने ये चीज लिखा है कि एक्सपीरियंस का इशू ना हो, इसलिए हम लोग डिले कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं गेम को। तो ये एग्जैक्टली रीजन है कि आपका जो डेटा है वो पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हुआ है फ्री फायर के नए ऐप यानी फ्री फायर इंडिया में। तो गरीना इस बार नहीं चाहती है कि यार फ्री फायर के साथ कोई भी लोचा हो, कोई भी सीन हो, क्योंकि फ्री फायर इंडिया का हाइप फिलहाल के टाइम पे बहुत ज्यादा है और उन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपीस खर्चा करके रखा है फ्री फायर के प्रमोशन में, चाहे वो सुनील छेत्री सर हो, चाहे वो एमएस धोनी हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं फ्री फायर के साथ। तो वो लोग इस चीज को डिले ज्यादा दिन के लिए नहीं करने वाले, और कोई भी गेम अगर ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में आता है तो एटलीस्ट 7 दिन का टाइम लगता है उसको लॉन्च करने में। जैसे मान लो कि आज अगर मैं गेम लॉन्च करता हूँ तो मुझे 7 दिन एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को कि भाई मेरा गेम लॉन्च कर दो, मतलब आज मैं देके बोलता हूँ तुरंत भाई दे दो, नहीं पॉसिबल होगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। तो फ्री फायर आज के दिन अगर सारे डेटा ट्रांसफर भी कर ले तो भी 7 दिन एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाएगा। दैट्स व्हाई फ्री फायर वालों ने हमसे बोला है कि 1 हफ्ता या फिर उससे ज्यादा लग सकता है, क्योंकि अगर 1-2 दिन में काम खत्म भी हो जाता है तो भी 7 दिन और एक्स्ट्रा रुकना ही पड़ेगा। तो ये मेनली रीजन है। तो अब इससे आप लोग समझ सकते हो कि लॉन्च डेट जो होने वाला है वो 1 हफ्ता से लेकर 2 हफ्ता तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है, क्योंकि सारे डेटा ट्रांसफर करने में उनको और थोड़ा टाइम लग सकता है, मतलब उनको पूरा लग चुका था कि 5 तारीख में हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया। तो आप लोग समझ सकते हो कुछ ज्यादा डेटा बचा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही होगा, तो जितना होगा उतना करके 1-2 दिन में वो लोग डाल देंगे, उसके बाद तो 7 दिन हमको रुकना ही पड़ रहा है। तो मान लो 10 से 12 दिन या फिर 14 दिन उससे ज्यादा नहीं लगने वाला है फ्री फायर इंडिया को आने में, और ये हाइप वो लोग बिल्कुल जाने नहीं देने वाले। तो आप लोग बेफिक्र हो जाओ, और 7 दिन लगे या 14 दिन लगे उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो गेम खेल पा रहे, फिलहाल फ्री फायर खेल पा रहे, हम ऐसे ही खेल सकते हैं, सारी चीजें चलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत टेंशन जो हो रहा है वो टूर्नामेंट्स प्लेयर या फिर स्पोर्ट्स प्लेयर जो बनने वाले, जो वाईसी का सोच रहे थे कि 7 तारीख को आएगा 11 तारीख को खेलेंगे, वो चीज का क्या होगा, वो क्या कैंसिल हो गया, नहीं वो कैंसिल नहीं हुआ है, वो डिले कर दिया जाएगा। जब फ्री फायर इंडिया लॉन्च होगा उसके बाद आप लोग एवीवाईसी खेल पाओगे, उसका कोई टेंशन नहीं है, मतलब सभी लोगों के लिए एकदम फिक्स है मामला। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों का शेयर करो, और एग्जैक्ट डेट जब पता चल जाएगा तो मैं आप लोग इंस्टाग्राम पे सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।